प्रदेश बीजेपी में अगर इस बार किसी मंडल ने सदस्यता टारगेट को पूरा नहीं किया तो बीजेपी के मंडल जिला प्रदेश के चुनावों में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। बकायदा इस बार बीजेपी में सदस्यता अभियान के तहत 6 से 11 अगस्त तक सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा, जिसके तहत हर मंडल को 6000 नए सदस्य जोड़ने होंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान केसीसी बैंक चेयरमैन एवं सदस्यता अभियान प्रभारी राजीव भारद्वाज ने बताया कि सदस्यता अभियान में अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को टारगेट दिए गए हैं। प्रदेश में बीजेपी ने सदस्यता अभियान को तेज कर दिया है। इसी के चलते हमीरपुर के सर्किट हाउस में सदस्यता अभियान के तहत बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता केसीसी बैंक चेयरमैन राजीव भारद्वाज ने की। इस अवसर पर विशेष तौर पर पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल, एचआरटीसी के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री, वरिष्ठ सदस्य विजय पाल सोहारू, एपीएमसी चेयरमैन अजय शर्मा भी मौजूद रहे। केसीसी बैंक चेयरमैन एवं सदस्यता अभियान प्रभारी राजीव भारद्वाज ने कहा कि 31 अगस्त तक प्रदेश में सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे और अधिक सक्रिय सदस्य बनाने के लिए टारगेट तय किए हैं, ताकि समय सीमा के अंदर पूरे अभियान को सफल बनाया जा सके और प्रदेश के अंदर जिला मंडल और प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव करवाए जा सके। जो अपनी एग्जिस्टिंग मेंबरशिप है उससे 20% अधिक सदस्य करेगा, और ये निर्णय आज इन सबके सामने रखा है। और कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है, बड़ा जुनून है, और कार्यकर्ताओं ने यह निर्णय किया कि केवल 20% ही नहीं, इससे कई गुना अधिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ नए सदस्यों को जोड़ेगा, ये आज फैसला किया। 20% टारगेट इसलिए दिया गया है, ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है उसके मुताबिक हमें 20% अधिक एग्जिस्टिंग मेंबरशिप से अधिक करनी पड़ेगी। यदि हम नहीं कर पाएंगे तो वो मंडल जो है आने वाले समय में मंडल के चुनावों में अपनी भागीदारी नहीं कर सकता है, ये पार्टी का संविधान है। जिला प्रशासन ने सोलन बस ऑपरेटर्स के साथ एक बैठक का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त सोलन विनोद कुमार ने की। इस मौके पर उपायुक्त सोलन ने बस चालकों को सख्त निर्देश दिए कि वे किसी भी सूरत में ओवरलोडिंग ना करें, साथ में उन्हें जरूरी हिदायतें भी दी। बस ऑपरेटर को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वे नियमों में किसी भी तरह की कोताही बरतते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उपायुक्त सोलन विनोद कुमार ने कहा कि ओवरलोडिंग की वजह से कुल्लू जैसा हादसा और कहीं ना हो, इसके लिए एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बस चालकों को क्या क्या सावधानियां बरतनी है इस बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि बस चालकों को बताया गया कि चालक किसी भी सूरत में मोबाइल का उपयोग न करे और उन्हें कुशल चालक रखने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बस ऑपरेटर्स को बताया गया है कि निजी बसें हों या सरकारी, किसी भी तरह से ओवरलोडिंग न होने दें। बसेस की, मैक्सी कैब्स की परमिट देने की, तो वो रूट्स चिन्हित करके कंसर्न एसडीएम के ऑफिस में या आरटीओ साहब के दफ्तर में दे देते हैं। तो मेरा पूरे जिला के जितने भी बस ऑपरेटर्स हैं, बेशक वो एचआरटीसी वाले, ओवरलोडिंग ना करें, छत पे सफ़र करना या लटक के जाना वो अपनी जान को जोखिम में डालने वाली बात है सारी। उसमें बस का भी नुकसान होता है और साथ में जो कम्यूट कर रहे हैं ट्रेवलर्स हैं उनका भी नुकसान होता है। ऑटो यूनियन द्वारा ऑटो का किराया बढ़ा दिया गया था, जिसके चलते कुछ संस्थानों ने इसका विरोध किया और जिला उपायुक्त को इसकी शिकायत भी की, जिसके चलते जिला प्रशासन ने सोलन में शूलनी ऑटो यूनियन के साथ आरटी सोलन ने ऑटो के किराए को लेकर बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में शूलनी ऑटो यूनियन के अध्यक्ष दिनेश शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। आरटीओ की अध्यक्षता में निजी संस्थाओं और ऑटो यूनियन के बीच किराए को लेकर विचार विमर्श किया गया और बीच का रास्ता निकालने का आग्रह किया गया। काफी जद्दोजहद के बाद ऑटो यूनियन ने किराए को कम करने के लिए सहमति जताई।
इस मौके पर आरटीओ राकेश सिंघा ने कहा कि उन्हें काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि ऑटो चालकों ने बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के ऑटो का किराया बढ़ा दिया था, जो बिल्कुल अनुचित था। इसलिए आज ऑटो चालकों को कार्यालय में बुलाया गया था और उन्हें तुरंत किराया कम करने के निर्देश दिए गए। ऑटो चालकों ने किराया बढ़ाने की बात कही है, जिसका प्रस्ताव उपायुक्त सोलन को भेजा जाएगा और उनकी स्वीकृति मिलने पर ऑटो चालक पुराना किराया ही वसूलेंगे। जो है डीसी साहब के पास जो है वो भेजा जाएगा, ताकि जो ये इशू चल रहा था ये रिजॉल्व हो जाए। और साथ ही साथ जो किराया है वो ऑटो यूनियन को जो है सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो अभी तक जो आधिकारिक किराया है, जो पुराना किराया है, वही वसूला जाएगा जब तक जो है वो नए किराए की अधिसूचना नहीं हो जाती है, जब तक जो प्रपोजल है वो डी साहब से फाइनल नहीं हो जाती है, तो वो पुराना किराया वसूला जाएगा। अगर कोई जो है इसमें संलिप्त पाया जाता है और अगर ज़्यादा किराया वसूलता है तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी।